जो पिस्टन हमने चेंज कर चुके हैं ये ब्लॉक का, वो यही पिस्टन है। आप देख सकते हो इसका प्रॉब्लम क्या है, जो रिंग है, रिंग का होल बड़ा हो चुका है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इंजन पे इंजन ऑयल शॉर्ट हो रहा है। देखा जा रहा है जो बोरिंग का काम जो कितना सक्सेस हुआ है, देख सकते हो दोस्तों बोरिंग हो चुका है दोस्तों। 20 साइज का पिस्टन है, अब ये बोरिंग तो हो चुका है, फिलहाल ये बोरिंग हुआ है इसीलिए नहीं इसके अंदर डूब पा रहा है। पहले पॉलिश, इसके बोरिंग के बाद पॉलिश करना है, पॉलिश करने से पिस्टन इजीली अप डाउन होगा दोस्तों ब्लॉक के अंदर, तो पॉलिश करने की प्रोसेस आगे देखते हैं। एडजस्ट करके पॉलिश का काम किया जा रहा है। सो पॉलिश हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो पूरी तरीके से पॉलिश हो चुका है, करने का सही तरीके है। ये जो रिंग है देख सकते हैं, ये है एम, पूरी सही तरीके से पिस्टन की सारी रिंग लगा चुके हैं, अब इसे ब्लॉक पे फिट करना है दोस्तों। अब हमें बारीकी से रिंग को अंदर की तरह घुसा लेने है सारा रिंग को, अब देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारी रिंग को आराम से घुसा लेना है, कोई ज़बरदस्ती में नहीं, इजी लिहाज से फिट करना है रिंग को। पूरी ध्यान के साथ दोस्तों इस रिंग को फिट करना चाहिए, कोई रिंग फिट करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो इजीली तरीका से पिस्टन घुस गया ब्लॉक के अंदर, और हमें करना है टाइमिशियन को इसके अंदर लेनी है, उसको टाइमिशियन को इसके अंदर लेकर यहाँ से उठा लेनी जरूरी है टाइमिशियन को। अब टाइमिशियन उठ चुका है, अब ब्लॉक को इसके अंदर घुसानी है। ब्लॉक इसके अंदर देने से पहले दोस्तों यहाँ थोड़ी सी जो पेस्टिंग है पेस्टिंग कर लेना जरूरी है, और पेस्टिंग होने से ना दोस्तों क्या होता है इंजन ऑयल मैंने कंप्रेसर लीकेज या फिर इंजन ऑयल लीकेज का कोई झंझट नहीं रहता है इंजन पे। तो मैंने काज करबो नहीं ओसित पाल जाडू आमी बड़ो बड़ो काज छाड़ दीगी तो वो सब काज सीख लो। ऊपर से देखने में तो पिस्टन अप डाउन यहाँ ले ब्रे दोस्तों, दो बुश को सही तरीके से यहाँ बैठा लेनी है बुश में,
दोस्तों इस तरह से देख लेना है पिस्टन इजी तरीके से खेल रहा है या नहीं। आप देख सकते हो पिस्टन बिल्कुल इजी तरीके से खेल रहा है। यह है टॉप दोस्तों, अब पिस्टन हमारा टॉप पे है।